गोवर्धन के मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु ब्रज में आ रहे हैं। मथुरा जनसंघ पर जहां यात्रियों का भारी आवागमन हो रहा है, तो वहीं रेलवे की लापरवाही की वजह से यात्री सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। मथुरा जनसंघ पर स्वचलित सीढ़ी और लिफ्ट बंद होने के चलते वृद्ध और असहाय यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। गोवर्धन के प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए देश भर के श्रद्धालुओं की भीड़ इस वक्त मथुरा में उमड़ पड़ी है और आप देख रहे हैं आज सबसे ज़्यादा भीड़ आने की संभावना उसी को देखकर आप देख रहे हैं कि इस वक्त मथुरा जंक्शन में मौजूद हैं और यहाँ ट्रेनें आ रही हैं और ट्रेनों में से सवारियाँ उतर रही हैं। वहीं जो लोग परिक्रमा लगाकर गोवर्धन से आएँ वो गंतव्य तक जाने के लिए ट्रेनों में रवाना हो रहे हैं और उनकी रवानगी के लिए सुनिश्चित कराने के लिए अगर कोई भी दुर्घटना ना हो सब शांतिपूर्ण ढंग से चढ़ें। तो आप देख रहे हैं पुलिस बल तैनात हैं और यहाँ स्वयंसेवक के रूप में स्काउट भी तैनात हैं और तमाम देख रहे हैं विसिल बजाते हुए यहाँ RPF के जवान हैं, GRP के जवान हैं और स्काउट के लोग हैं, वो बराबर यहाँ सहायता कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस मथुरा जंक्शन पर जो इतना बड़ा मेला है यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आप देख रहे हैं अब ये उज्जैनी ट्रेन आई है यहाँ और ट्रेन को रवाना करने के लिए भारी संख्या में स्काउट के लोग हैं और RPF GRP हैं और देखिए माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को किसी तरह की परेशानी ना हो। वास्तव में एक बड़े आयोजन को सफल करने में सभी का सहयोग जिसमें ज़रूरी होता है और वो आप यहाँ देख रहे हैं मथुरा जंक्शन पर। आइए जो स्काउट के लोग हैं उनसे बात करें कि क्या व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है। आइए पूछें आपका शुभ नाम। मेरा नाम प्रदीप कुमार दहिया है सर। क्या यहाँ इस समय जो मेला चल रहा है लाखों लोग आ रहे हैं, क्या अरेंजमेंट मथुरा जंक्शन पर किया गया जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो? यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधा की गई प्रशासन द्वारा और सुविधा की गई है बहुत सारी। तो ये रस्सी लगा के सुरक्षा पुलिस है, TT है, RPF है और लोकल प्रशासन भी लगे हुए हैं। और देखिए उत्तर मध्य रेलवे द्वारा स्काउट गाइड का यह शिविर लगाया गया है। इस मेले में इनके जो स्काउट हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से सवारियों को बड़े प्यार से ट्रेनों में चढ़ा रहे हैं। तो और यहाँ खोया पाया केंद्र भी है, जो यात्री बिछड़ जाते हैं तो उनको मिलाया जाता है। आपका शुभ नाम? ब्रजेश जारोलिया। क्या क्या सेवा यहाँ स्काउट कर रहे हैं? यहाँ जितने जो भी यहाँ यात्रीगण एक दूसरे से मेले में बिछड़ जाते हैं, स्टेशन पर बिछड़ जाते हैं, उनको यहाँ पर आके उनके एंट्री की जाती है रजिस्टर में और अलाउंस किया जाता है स्टेशन पर और उनके उसके बाद जो वो मिल जाते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा माने अभी मेले के दौरान अब तक अनुमानित कितने लोगों को ऐसे बिछड़े हुए को आप मिला चुके हैं अनाउंसमेंट करा के? अभी लगभग रजिस्टर में एंट्री है हमारे में कम से कम अभी हम 10-12 व्यक्तियों को ऐसे मिला चुके हैं जो अपने परिवार के साथ में पिछड़ गए थे। आप रेलवे डिपार्टमेंट से ही हैं? हम रेलवे डिपार्टमेंट से हैं सर। किस पद पर है? मैं SNT में हूँ, TCM के पद पर हूँ जी। मैं आपको जानना चाहूँगा आपके पीछे एस्केलेटर है, स्वचालित सीढ़ियाँ हैं और मेले के समय इनको हम देख रहे हैं ये क्यों? हाँ ये इसका रीज़न सर ये है कि हमें तो ऊपर से आदेश हैं लेकिन ये कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए इसलिए इसको बंद किया गया है। हमें तो की वजह से दुर्घटना जी क्योंकि अभी कुछ लेडीज़ वगैरह का वो कपड़े वपड़े फंस जाए कुछ हर एक व्यक्ति सच इसमें चल कुछ लोगों की वजह से ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, परिक्रमा देकर आ रहे हैं, थक जाते हैं, दिव्यांग लोग हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है और शासन ने लाखों रुपये खर्च किए और ये सब बंद पड़े हैं। सेकेंड एंट्री पर लिफ्ट बंद पड़ी हुई है तो जो सुविधा की चीज़ है और वो सब बंद है और जो श्रद्धालु कहते जा रहे हैं कि ये सब इनके बिना बहुत तकलीफ़ हो रही है उन्हें, इस और रेलवे प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया? नहीं प्रशासन ने ध्यान दिया है, उसके लिए व्यवस्था कर रखी है रेलवे ने, ध्यान देकर ही बंद किए हैं ये जी जी। और स्काउट गाइड स्टाफ की तरफ से जो लोग दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पूरी मदद की जाती है, उनका सामान ऊपर तक पहुँचाया जाता है या ऊपर से जो सीढ़ी से पुल तक पहुँचाते हैं, पुल से उतरवाते हैं और इतनी हजारों की भीड़ है, जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपके पास आ पाए। जितने लोग हमसे संपर्क में आ पाते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होती है आप अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, उसे पूरा प्रयास करते हैं कि किसी को कोई असुविधा ना हो। आइए स्टेशन पर और भी नज़ारा दिखाते हैं, यात्रियों से बात करते हैं कि आएँ उन्हें कैसा लग रहा है मथुरा में आकर गोवर्धन की परिक्रमा की है, ब्रज के दर्शन किए हैं।
ये देखिए कुछ यात्री खड़े हैं, काफी सामान है, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? सावरिया सोनी। कहाँ से आए सामान? इंदौर के पास बड़वा से। मथुरा आप वृंदावन आयो? हाँ, गोवर्धन परिक्रमा पर। हाँ। कितने लोग हैं आपके साथ? 12 लोग हैं। और ये सारा सामान आपका है? हाँ, सारा 17 बैग फुल जी। और ये आपके पीछे जो दिखाई दे रही है स्वचालित सीढ़ियाँ एस्केलेटर, हाँ। ये चालू है बंद है? ये बंद है। हाँ, आपके अनुसार चलना चाहिए कि नहीं, क्यों बहुत सामान है आपके पास? चलना चाहिए, अभी हमारा कुली का खर्चा बढ़ा ना, अगर ये चलती तो हमको कुली नहीं करना पड़ता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ओल्ड एज के हैं या दिव्यांग, हम तो आसानी से चढ़ जाएंगे, पर जो हमारे साथ जो बुजुर्ग है उनका भी तो देखना पड़ेगा, इसलिए तो कहीं कमी है। हाँ, अगर चलता तो बढ़िया रहता ऐसा। आपका क्या नाम है? केशव सोनी। हाँ, जाओगे लगा ली? अब जाएंगे लगाने। पढ़ते हो? हाँ। आप तो दौड़ के चढ़ जाओगे सीढ़ियों से? हाँ सर। आपका क्या नाम है? राखी। से आए आप? हम अभी तो यहाँ से आए, इंदौर से आए हैं वैसे जी। ये सीढ़ी बंद है, इसको लेकर क्या? जी चालू होना चाहिए, बहुत आफत पड़ रही है हम जैसे लोगों को। हाँ, हमारे पास सामान भी बहुत है, सदस्य भी हम ज़्यादा हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, कुछ कुछ समस्याएं भी है। हमारा इस चीज़ को दिखाने का उद्देश्य यही है कि मथुरा को विश्व स्तरीय स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। यहाँ की सांसद हेमा मालिनी ने काफ़ी असुविधाएं कराई हैं, पैसा खर्च किया, लेकिन रेलवे की लापरवाही है। इतना बड़ा मेला, लाखों लोग देश विदेश के यहाँ आ रहे हैं, और ऐसे में यहाँ अगर एस्केलेटर की बात करें या सेकेंड एंट्री पर लिफ्ट, दोनों ही बंद पड़ी हैं, जबकि लाखों रुपये इस पर खर्च किए गए हैं। यात्रियों को यह सुविधा मिलनी चाहिए थी, और आपने सुना खुद यात्री कह रहे हैं कि अगर ये चल रही होती तो उनका खर्चा भी कम होता कुली का, और उन्हें चलने में कोई तकलीफ भी ना होती, दिक्कत भी ना होती, लेकिन रेलवे के अधिकारी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, और लोग आ रहे हैं, परेशानी को झेल रहे हैं, लेकिन वो अपने आराम से मस्त हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ से क्या संदेश लेकर जाएंगे, क्योंकि सरकार तो सारी सुविधाएं देने के वादे करती है, लेकिन हकीकत में स्थिति कुछ और ही होती है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।